आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी चर्चा करूंगा और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो जीवन में आपने ना कभी पहले सुनी होगी और शायद ना कभी आप सुनेंगे। इसमें हम एक चर्चा करेंगे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत की ISI के जो ऑपरेशंस ISI ऑफ पाकिस्तान भारत के अंदर करती है उसको कैसे आइडेंटिफाई करती है, कैसे निगेट करती है। दो चीज़ें समझिए। पहली चीज़ तो ये कि भारत के अंदर जितने भी ISI के ऑपरेशन होते हैं, इन ऑपरेशन को करने के लिए ISI में बड़े सारे यूनिट्स हैं। ISI एक मोनोलिथ संस्था नहीं है, एक ऐसी संस्था है जिसने छोटे छोटे माइक्रो यूनिट्स बना रखे हैं अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ करने के लिए। भारत के अंदर जो ऑपरेशंस किए जाते हैं, मैं भारत की जब बात कर रहा हूँ तो मैं कश्मीर की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं कश्मीर छोड़ के बाकी भारत के इलाके की बात कर रहा हूँ। ISI के ऑपरेशंस जनरली जब हम बात करते हैं तो आप लोगों को लगेगा कि सिर्फ कश्मीर में है, नहीं, ISI के ऑपरेशंस पैन इंडिया चलते हैं, हर एक स्टेट के अंदर भारत के चलते हैं, कई स्टेट्स में ज़्यादा चलते हैं, कई स्टेट्स में कम चलते हैं, पर चलते हर स्टेट में हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन पैन इंडिया ऑपरेशंस को रन करने के लिए ISI के पास दो बड़े महत्वपूर्ण यूनिट्स हैं। पहला यूनिट जिसको है उसका नाम है जॉइंट इंटेलिजेंस नॉर्थ JIN और दूसरा है जॉइंट इंटेलिजेंस मिसलेनियस JIM। तो जॉइंट इंटेलिजेंस मिसलेनियस करके जो यूनिट है ये खास करके एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है बाकी इलाकों में, और जो जॉइंट इंटेलिजेंस नॉर्थ है वो खास करके एक रोल प्ले करता है इस इलाकों में जिसमें हम गिनते हैं राजस्थान, गुजरात, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर का इलाका। लेकिन जो जॉइंट इंटेलिजेंस नॉर्थ है उसके अंदर भी बड़े सारे तीन छोटे छोटे अलग प्रकार के यूनिट्स हैं। हमें उन यूनिट्स में और उनको डिस्क्लोज करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो जॉइंट इंटेलिजेंस नॉर्थ के ऑपरेशंस हैं खास करके गुजरात, राजस्थान, पंजाब के बाउंड्री इलाके में, वो क्या है। देखिए, जो गुजरात, राजस्थान और पंजाब के साथ भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है उस सीमा को हम लोग इंटरनेशनल बॉर्डर कहते हैं। ये इंटरनेशनल बॉर्डर एक रेडक्लिफ अवार्ड के तहत 1947 में रेडक्लिफ लाइन के तहत बनी थी। ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, यहाँ पर दोनों देशों के बीच ISI की तरफ से एक बड़ा स्पेसिफिक प्रकार का ऑपरेशन किया जाता है और इस ऑपरेशन को हम कहते हैं शैलो पेनिट्रेशन ट्रांस बॉर्डर ऑपरेशन। इसको इंटेलिजेंस लैंग्वेज में शैलो पेनिट्रेशन ट्रांस बॉर्डर ऑपरेशन बोला जाता है। ये जो शैलो पेनिट्रेशन ट्रांस बॉर्डर ऑपरेशन है ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू के इलाके, जम्मू कश्मीर वाले में होते हैं। इन इलाकों में क्या होता है और ये शैलो पेनिट्रेशन ट्रांस बॉर्डर ऑपरेशंस में क्या होता है? सबसे पहली चीज़ तो ये याद रखिए कि यहाँ पर ISI जो है वो भारत के अंदर भारतीय नागरिकों को रिक्रूट करती है। इसको रिक्रूट करने के लिए भारत के अंदर ISI का ऑलरेडी एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। वो नेटवर्क को जनरली जो है पाकिस्तान की जो हाई कमीशन है भारत के अंदर दिल्ली में, वहाँ से उनके अधिकारियों के तहत चलाया जाता है। ISI यहाँ पर क्या करती है इन इलाकों में कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू वाले इलाके में भारतीय नागरिकों को लिंग्विस्टिक बेसिस पे, यानी कि कुछ स्पेसिफिक लैंग्वेज स्किल के बेसिस पे या उनके रिलीजन के बेसिस पे रिक्रूट करती है। इनको रिक्रूट करने के बाद बेसिक सी ट्रेनिंग दी जाती है कि इनसे छोटे छोटे लेवल के इंटेलिजेंस गैदरिंग ऑपरेशंस कराए जाते हैं। तो ये जो शैलो पेनिट्रेशन ट्रांस बॉर्डर ऑपरेशंस होते हैं इनमें किसी प्रकार की कोई कोवर्ट ऑपरेशन वाली एक्टिविटी नहीं होती। शैलो पेनिट्रेशन ट्रांस बॉर्डर ऑपरेशन में मेनली जो ISI करती है वो सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश करती है कि किस प्रकार से भारत के अंदर खास करके इन बॉर्डर इलाकों में इंटेलिजेंस गैदरिंग हो। अब सवाल उठता है कि बॉर्डर इलाकों में क्या इंटेलिजेंस गैदरिंग? आप जानते हैं कि जो बॉर्डर इलाके हैं खास करके गुजरात, राजस्थान, पंजाब का जो बॉर्डर इलाका है वहाँ पर भारत ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF को डिप्लॉय किया है, और जम्मू के साथ जो बाउंड्री है पाकिस्तान की वहाँ पर भारत ने भारत की सेना इंडियन आर्मी को डिप्लॉय किया है। अब ये क्या करते हैं ISI वाले कि इन शैलो पेनिट्रेशन ट्रांस बॉर्डर ऑपरेशंस के तहत वो लोग पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू के लोकल लोगों को रिक्रूट करते हैं, बेसिक सी ट्रेनिंग देते हैं। अब ये लोग क्योंकि भारतीय नागरिक हैं इनको ट्रेन करके ये लोग ISI वाले इनसे इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं कि BSF की डिप्लॉयमेंट क्या क्या है, जम्मू में इंडियन आर्मी के कौन से यूनिट्स डिप्लॉयड हैं, उस यूनिट में कितने लोग डिप्लॉयड हैं, किस प्रकार की मूवमेंट आर्मी के अंदर, किस प्रकार का इक्विपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ये सब चीज़ों की एक लिस्ट बनाई जाती है। ISI ये सारी लिस्ट बनाकर पाकिस्तान आर्मी के साथ शेयर करता है। तो ISI का शैलो पेनिट्रेशन ट्रांस बॉर्डर ऑपरेशन ये किया जाता है भारतीय नागरिकों के द्वारा
और इनकी इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन जो शेयर करके पाकिस्तान हाई कमीशन रेगुलर बेसिस पे भेजती है वो प्रयोग की जाती है पाकिस्तान आर्मी की तरफ से। और जो पाकिस्तान की तरफ से अगर हम बीएसएफ का इक्विवेलेंट देखें तो वो है पंजाब और सिंध वाले इलाके में पाकिस्तानी रेंजर्स। तो उन पाकिस्तानी रेंजर्स को ये इंफॉर्मेशन दी जाती है कि आपके ओपोनेंट के पास ये इंफॉर्मेशन है, ये उनकी बेसिकली आज की डेट में प्रिपरेशन और प्रिपरेटरी स्टैंडिंग है। लेकिन इससे भी घातक होता है एक बड़ा स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑपरेशन जो आईएसआई करती है, जो कि जॉइंट इंटेलिजेंस मिसलेनियस, मैंने आपको बताया था जीआईएम जो करती है, क्योंकि जॉइंट इंटेलिजेंस नॉर्थ तो स्पेसिफिकली ये कार्य इन इलाकों में करती है, लेकिन जो जॉइंट इंटेलिजेंस मिसलेनियस है आईएसआई ऑफ पाकिस्तान की, वो क्या करती है, वो एक स्पेसिफिक पैन इंडिया लेवल पे, पैन भारत के लेवल पर एक ऑपरेशन रन करती है जिसका नाम है शैलो पेनिट्रेशन ट्रांस फॉरवर्ड ऑपरेशन। शैलो पेनिट्रेशन ट्रांस फॉरवर्ड ऑपरेशंस क्या होते हैं? ये वो ऑपरेशंस होते हैं जहां पर फिर से पाकिस्तान की आईएसआई के जितने भी नेटवर्क्स भारत के अंदर हैं वो भारतीय नागरिकों को पहली बात तो रिक्रूट करते हैं। रिक्रूटमेंट का प्रिंसिपल हमेशा से सेम रहता है कि कोई स्पेसिफिक लिंग्विस्टिक आपका स्किल होना चाहिए, इसके साथ साथ आपका एक स्पेसिफिक रिलीजन से नाता होना चाहिए जिससे कि एसोसिएशन और इंगेजमेंट आसान हो। इसके बाद क्या होता है कि शैलो पेनिट्रेशन ट्रांस फॉरवर्ड ऑपरेशंस में इन ऑपरेटिव्स को जो आईएसआई के बिहाफ पे, पाकिस्तान के बिहाफ पे भारत के नागरिक भारत में रह के काम करते हैं, इनको ट्रेनिंग दी जाती है लोकल लेवल पे स्केच बनाने की। अब आप कहेंगे कि स्केच क्यों बनाना, ये कोई आर्टिस्ट थोड़ी है। बिल्कुल सही बात है, इनको ड्राइंग सिखाई जाती है और ड्राइंग में भी हम एक स्पेसिफिक स्किल की बात करते हैं जिसका नाम होता है कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी का मतलब होता है कि मैप को पकड़ के मैप के स्किल को समझना और मैप को बनाना। अब आपके मन में आएगा कि इसका क्या फ़ायदा, समझने की कोशिश कीजिए। शैलो पेनिट्रेशन ट्रांसफॉरवर्ड ऑपरेशंस में आईएसआई ऑफ पाकिस्तान एक बड़ा स्पेसिफिक गेम खेलती है। वो क्या करती है कि इन लोगों को ऐसे इलाकों में डिलिब्रेटली रिक्रूट करती है जहाँ पर भारत की कोई ना कोई मिलिट्री प्रेजेंस है, कोई मिलिट्री कैंटोनमेंट है, कोई मिलिट्री यूनिट डिप्लॉयड है, और उसके लगभग 25 से 30 किलोमीटर के आसपास के इलाकों में इन लोगों को रिक्रूट किया जाता है। ये लोग यहाँ पर रह के आर्म्ड फोर्सेस के इन यूनिट्स का नक्शा बनाते हैं, उनके अंदर किस प्रकार की मूवमेंट हो रही है, किस प्रकार के ट्रूप्स हैं वहाँ पर, उनके साथ क्या क्या व्यवहार हो रहा है, क्या क्या चीज़ें दी जा रही हैं, क्या क्या उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, इन सारी चीज़ों का एक कच्चा चिट्ठा बनाया जाता है। और तो और शैलो पेनिट्रेशन ट्रांसफॉरवर्ड ऑपरेशंस में एक स्पेसिफिक चीज़ ये भी होती है कि यदि कोई आपका भारत में आईएसआई का जो एसेट है अगर वो सक्सीड कर जाए कोई कांटेक्ट बनाने में, तो वो कांटेक्ट बनाने में खास करके भारत की सेना के किसी लोगों के साथ, चाहे जूनियर अधिकारी हों या सीनियर अधिकारी हों, उनसे इंफॉर्मेशन निकलवाना भी एक स्पेसिफिक गेम खेला जाता है। अब हुआ क्या कि 2018 की एक बात है, ये टाइप का जो इंसिडेंट मैं आपको बता रहा हूँ ये अखबारों में आपको रिपोर्ट नहीं किया जाएगा, इसके लिए स्पेशलाइज्ड क्लासिफाइड डोजियर्स बनाए जाते हैं भारत की सरकार की तरफ से, जो कि क्लासिफाइड डोजियर्स बनाकर रखे जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, 2018 में भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो जो थी, एक स्पेसिफिक नाम का व्यक्ति था जिसका नाम था शबीर, उसके ऊपर बड़े समय से नज़र रखी हुई थी। अब आप कहेंगे कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे भारत के अंदर आईबी को ये शबीर कैसे मिला? देखिए, भारत के अंदर जो पाकिस्तान की हाई कमीशन है, हाई कमीशन के अंदर के एक एक अधिकारी के ऊपर ट्रेलिंग की जाती है, एक एक अधिकारी को टेल किया जाता है कि वो कहाँ जा रहा है, कितनी देर के लिए जा रहा है, किससे मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, क्या कर रहा है, एटसेट्रा। 2018 की बात है कि पाकिस्तान हाई कमीशन का भारत में एक अधिकारी था दिल्ली में, एक जूनियर अधिकारी जो कि एक टाइपिस्ट की पोस्ट पर बैठा हुआ था और टाइपराइटिंग का काम करता था। ये व्यक्ति जो है, मैं इसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि इसको पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर करके दो दिन बाद भेज दिया गया था वापस पाकिस्तान। ये व्यक्ति जो है ये हर जुम्मे पे, यानी कि हर फ्राइडे पे दिल्ली की जामा मस्जिद जाया करता था। जाहिर सी बात है कि आईबी की नज़र इसके ऊपर रहती थी। जब ये जामा मस्जिद जाता था तो जामा मस्जिद के पास एक मीना बाज़ार का इलाका है, ये बंदा वहाँ मीना बाज़ार में अक्सर घुमा करता था, मैगजीनें खरीदता था, कुछ ऐसे ही इधर उधर के कागज़ खरीदता था, कोई नॉवल खरीद ली, कोई किताब खरीद ली। मीना बाज़ार में आए गए दिन, जब भी हर शुक्रवार ये जाता था जुम्मे की नमाज के बाद, इसको एक व्यक्ति आकर वहाँ मिलता था। उस व्यक्ति के पास एक बैग हुआ करता था, वो उस बैग से कुछ कागज़ निकालता था, चलते फिरते ये लोग बात करते थे।
कागज उसको दे दिया करता था, दे के कागज, ये व्यक्ति तुरंत वहां से चला जाता था और ये पाकिस्तान हाई कमीशन का जो अधिकारी है अपनी गाड़ी में बैठ के वापस आ जाता था। भारत की आईबी जो है इसको बड़े समय से टेल कर रही थी, भारत की आईबी देख रही थी कि ये व्यक्ति कोई जो है इसको हर शुक्रवार आके मिलता है, एक भी शुक्रवार मिस नहीं कर रहा। भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इस व्यक्ति को टेल करने की कोशिश करी। हमें पाकिस्तान के हाई कमीशन के उस अधिकारी को क्या करना है टेल करके, हमें तो पता है कि वो जो है ये हरकतें कर रहा है यहाँ पर बैठ के, लेकिन हमने इस स्पेसिफिक व्यक्ति को टेल किया। और जब इस स्पेसिफिक व्यक्ति जो इसको मिलने आता था टेल किया, तो हमने दो चीज़ें ऑब्जर्व करी। पहला कि ये बंदा दिल्ली आता था, दिल्ली आके ये ISBT के बस स्टैंड पे उतरता था, बस स्टैंड से ये सीधा एक ऑटो लेके जामा मस्जिद के इलाके आता था, मीना बाजार में ये पाकिस्तान हाई कमीशन के अधिकारी को मिलता था और चला जाता था। अब हुआ क्या है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक टीम ने इसकी परछाई बनके इसका पीछा करना शुरू किया। एक जुम्मे के बाद जब ये उसको मीना बाजार में मिला, उसके बाद इसने ऑटो पकड़ा, ये सीधा ISBT गया। इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम पीछे पीछे गई। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम के पीछे पीछे जाने से पूरा पैटर्न इसका दिखा। ये बंदा ISBT गया, ISBT से इसने बस पकड़ी उत्तर प्रदेश की और मेरठ जाकर ये बंदा उतर गया बस स्टैंड से। आईबी की टीम मेरठ तक पहुंच गई, मेरठ में जाके इसको देखा। मेरठ में एक आईबी ने छोटा सा अपना बेस ऑफिस बना लिया। बेस ऑफिस बनाने के बाद आईबी ने देखा कि भाई अब ये बंदा क्या करेगा। सबसे बड़ी चीज़ ये देखी कि ये बंदा जब मेरठ में था ये शाम को पहुंचा और उसके बाद अगले दिन सुबह ये अपने उस घर से उतर के थोड़ी सी दूर मेरठ में कहीं गया, एक मार्केट के इलाके में जाकर इसने अपना एक क्लिनिक खोला। और इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम ने देखा कि भैया ये बंदा जो क्लिनिक का दरवाज़ा खोल के अंदर जा रहा था वो क्लिनिक इसी का अपना था, और वो क्लिनिक था एक यूनानी मेडिसिन का, और ये बंदा इसने अपना एक क्लिनिक बना रखा था और नाम लिख रखा था डॉक्टर शबीर, और ये बंदा वहाँ जाकर उस क्लिनिक में बैठ जाता था। अब आईबी की टीम ने बड़े समय तक सर्वेलेंस किया कि रोज़ एक पैटर्न यही दिख रहा है कि ये बंदा जाता है उस क्लिनिक को खोलता है, वहाँ बैठता है, थोड़ी देर के बाद ये क्लिनिक बंद कर देता है, शाम को घर आ जाता है। लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम ने जो चीज़ ऑब्जर्व करी वो बड़ी दिलचस्प थी। उन्होंने देखा कि इस यूनानी मेडिसिन के क्लिनिक में इस डॉक्टर शबीर को मिलने भारत की सेना के जो मेरठ के कैंटोनमेंट में डिप्लॉयड थे उसके बड़े जूनियर लेवल के लोग आते थे, कोई सिपाही आ गया, कोई JCO आ गया, कोई इस प्रकार का दिखा, ये लोग रेगुलर बेसिस पे इसके क्लिनिक आते थे। इसके क्लिनिक आके ये लोग दवा लेते थे, किसी प्रकार की दवा, कोई जादुई क्योर करने की दवाएं होती हैं इन सब लोगों के पास, हकीम वगैरह जो होते हैं फ्रॉड टाइप के, तो इन लोगों ने वो दवाएं देनी शुरू करी और ये दवा रेगुलर बेसिस पे इन आर्मी अधिकारियों को मिलती थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो को एक चीज़ समझ आ गई कि ये बंदा जो डॉक्टर है इसने अपना नाम बना रखा है मेरठ कैंटोनमेंट में कि ये जादुई क्योर कर देगा हर एक छोटी छोटी बीमारी का, और इस जादुई क्योर को करने के लिए मेरठ के कैंटोनमेंट से भारत की सेना के छोटे अधिकारी आए गए दिन इसके पास आते थे। अच्छा, अब कोई भी मेरठ से कैंटोनमेंट का अधिकारी अगर इसके पास आता था तो वो बड़े लंबे समय तक बैठता था, और यूनानी होम्योपैथी वगैरह आपको ये सब पता ही होंगे कि अगर आप कभी होम्योपैथी के डॉक्टर के पास भी जाएं तो घंटों बिठा लेते हैं आपसे, पूरी कहानी सुनाएंगे, आपको बताएंगे हाँ जी कब से क्या हो रहा है, इलाज विलाज का तो मुझे कुछ पता नहीं, मतलब पर्सनल लेवल पर मैंने तो आज तक जितनी बार होम्योपैथी प्रयोग करी है कि वो तो एकदम निकम्मी प्रकार की मेडिसिन ही निकली है। लेकिन ये लोग आपको एक बड़े लंबे समय तक बिठा लेते हैं और बातचीत करते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो को समझ आ गया कि ये बंदे को बुला के इन आर्मी के सेना के जो लोग आ रहे थे उनसे ये लंबी बातचीतें करता था, और जाहिर सी बात है कि उन बातचीतों के दौरान ये उनसे मेरठ कैंटोनमेंट के अंदर क्या क्या चल रहा है उसकी भी इंफॉर्मेशन प्राप्त करता था। फिर एक पैटर्न बना और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों को ये बात समझ आई कि हो सकता है कि ये बंदा इन्हीं पर्टिकुलर चीज़ों के इंफॉर्मेशन को हर जुम्मे के जुम्मे जाकर पाकिस्तान हाई कमीशन के उस अधिकारी के साथ शेयर करता है। अब सबसे बड़ा सवाल था कि इसको रंगे हाथों पकड़ा कैसे जाए। अब एक लंबे समय के सर्वेलेंस के बाद, कई महीनों के, हर महीने इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम ऑब्जर्व करती थी कि ये चार बार दिल्ली आ रहा है, चार बार मिल रहा है, तो लंबे समय के सर्वेलेंस के बाद एक प्लान बनाया गया कि इसको पकड़ा जाए। और हुआ वही कि जब लंबे समय के बाद 2018 में इस प्लान के तहत इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों ने इसको रंगे हाथों मीना बाजार में पकड़ा, डॉक्यूमेंट्स देते हुए पाकिस्तान के हाई कमीशन के उस लोकल अधिकारी को,
तो पता चला कि उस लोकल अधिकारी के हाथ में ये बंदा शबीर लोकली बनाई हुई हाथों से बनाई हुई मैप्स, ट्रूप्स के फॉर्मेशन, रेडार्स के इंफॉर्मेशन, बैटरीज के इंफॉर्मेशन, किस प्रकार के एक्सरसाइजेज जो हो रही हैं मेरठ कैंटोनमेंट में उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था। जैसे ही ये बात का पता चला, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने उसी समय एक रेड फ्लैग रेज करके ये मैटर को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ शेयर किया। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी जब देखा कि भाई पूरे के पूरे पाकिस्तान हाई कमीशन का ये अधिकारी इन सारी चीज़ों में रंगे हाथों पकड़ा गया है, तो पाकिस्तान हाई कमीशन को बोला गया कि भाई हमने इस अधिकारी को पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया है, तो अब आप इसको तुरंत जो है अगले 2 दिन के अंदर अंदर वापस पाकिस्तान भेजिए। तो जब ये खुलासा हुआ तो मालूम चला कि ये जो व्यक्ति शबीर था, जिसको इवेंचुअली अरेस्ट कर लिया गया और आज की डेट में वो इंटरोगेशन में है, ये बंदा एक शैलो पेनिट्रेशन ट्रांस फॉरवर्ड ऑपरेशन ISI के बिहाफ पे चला रहा था। तो ISI आज की डेट में शैलो पेनिट्रेशन ट्रांस बॉर्डर ऑपरेशंस, शैलो पेनिट्रेशन ट्रांस फॉरवर्ड ऑपरेशंस दोनों चलाती है। तो आई होप आपको सुन के ये चीज़ अब अच्छी लगी होगी और समझ आया होगा कि ISI आज की डेट में किस तरीके से भारत को कंटिन्यूसली डसती रहती है। लेकिन घबराइए मत, हमारा भी कार्य उससे 5 गुना बेहतर पाकिस्तान में भी होता है। धन्यवाद।